हाँ नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन स्टोर टारगेट विथालोक में। मैं दिल बिस्टा। तो सबसे पहले सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद मित्रों। मित्रों, आज हम लोग अभियान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक पर चर्चा करने चल रहे हैं, और चतुर्थ अंक में सबसे बड़ी बात यह है कि श्लोक चतुष्टयम की चर्चा की जाती है, और जब भी श्लोक चतुष्टयम की चर्चा आती है तो श्लोक चतुर्थ जो है, जो अभिज्ञान शाकुंतलम के अति प्रिय चार श्लोक हैं, जिसके कारण चतुर्थ अंक प्रसिद्ध है, आज उसी श्लोकों में से एक श्लोक जो बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा रोचक है, प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, साक्षात्कार से संबंधित यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के प्रसंग में हम शकुंतला के इस श्लोक चतुष्टयम में इस प्रकृति सौंदर्य, प्रकृति चित्रण का वर्णन करने चल रहे हैं, जिसमें काश्यप जी के द्वारा तपोवन के वृक्षों को, जो निकटस्थ तपोवन के वृक्ष हैं, उनको संबोधित करते हुए शकुंतला की विदाई की अनुमति देने की बात कही गई है। आज उसी पर हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आइए सबसे पहले तो इस श्लोक की चर्चा करते हैं कि जिस श्लोक की हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। आप देख रहे हैं जैसा कि ये प्रसंग है कि श्लोक चतुष्टयम में प्रकृति सौंदर्य, और इसी का मार्मिक चित्रण यहाँ हम लोग करने चल रहे हैं। और इसमें भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब इसकी चर्चा करते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर यही श्लोक है जो शार्दूल विक्रीडित छंद में, और आपने देखा कि शार्दूल विक्रीडित छंद में सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इसके तीन श्लोक जो है, श्लोक चतुष्टयम के, वो शार्दूल विक्रीडित छंद में ही वर्णित किए गए हैं। और रही बात यह है कि यह जो श्लोक है, इस श्लोक में सबसे बड़ी बात यह है कि यह श्लोक महर्षि कण्व, जिसको आप लोग काश्यप के नाम से जानते हैं, ये उनके मुख से कहलवाया जा रहा है। कालिदास ने इस कथन को काश्यप ऋषि के मुख से कहलवाया है, क्योंकि शकुंतला का प्रकृति सौंदर्य, क्योंकि वो तपोवन कन्या है, और तपोवन में उपवन के वृक्षों के साथ शकुंतला का कैसा व्यवहार है, कालिदास ने इसको बड़े मार्मिक ढंग से यहाँ पर चित्रित करने का प्रयास किया है। तो रही बात यह है कि सबसे पहले तो हमारा आपका एक महत्वपूर्ण प्रसंग है, और इस प्रसंग में सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या है कि ये संस्कृत विषय वस्तु को पढ़ना बड़ा रुचिकर होता है, और छंदबद्ध रचना है, तो इसलिए इसको, इसका एक विधान है पढ़ने की, इसकी एक विधि है कि हर छंदों को कैसे पढ़ा जाता है। तो शार्दूल विक्रीडित छंद में सबसे बड़ी बात यह है कि वर्णों की मात्रा आप जानते हैं कि इसमें वर्णों की मात्रा कितनी होती है, तो कहते हैं 19 होती है, और 13 और 7 पर्यति होती है। तो इसीलिए पढ़ने का तरीका भी बड़ा अच्छा होता है कि जब भी हम पढ़ें तो कैसे पढ़ें। आप देखिए इसी तरह से इसको पढ़ने का तरीका है कि 13 और 7 पर जो यति बनाई गई है, आप इसी के अनुसार यदि आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने भाव को व्यक्त करने में कोई भी परेशानी नहीं हो सकती है। आप देखें 13 और 6 पर जो भी यति यहाँ पर बताई गई है, उसी तरह से अब आप देखिए हम इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी कि कालिदास का कौशल कैसा है, नाट्य कला का कौशल कैसा है, कैसे वो भाव को व्यक्त करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। तो पहले इसका वाचन हो जाना जरूरी है। आप देखिए बड़े मार्मिक ढंग से इस श्लोक को हम लोगों को पढ़ना भी चाहिए, और कह रहे हैं कि पातुम न प्रथमम देवस्यति जलम युष्मासु पीते सुया। दूसरी लाइन कितनी महत्वपूर्ण है, नाद्यते प्रिय मंडना पिभवताम स्नेहेन या पल्लवम आद्ये वह कुसुम प्रसूति समये
यस्या भवतु उत्सवः सेयम याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वेनु ज्ञायताम। तो देखिए बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है, और सबसे बड़ी बात तो यही लाइन सबसे महत्वपूर्ण है जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है कि सेयम याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वेनु ज्ञायताम। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण, और आप देखते हैं कि शार्दूल विक्रीडित छंद में यहीं से प्रश्न भी शुरू हो जाता है कि भाई सेयम याति अस्य पदम प्रयुक्तम अस्ति, क्योंकि हम आप प्रतियोगी हैं तो हम आपको पढ़ना कैसे चाहिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो कह रहे कि सेयम याति पदे प्रयुक्तम, यहां पर सेयम याति पदे प्रयुक्त किया गया है, किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, शकुंतला के लिए प्रयुक्त किया गया है। अब यहीं से आपको पूरे प्रसंग की बात, एक तो यहाँ पर ये कि ये सारी बातें जो है कैसे कण्व ऋषि कह रहे हैं कि सेयम याति शकुंतला, शकुंतला आज पतिगृह जा रही है, और आप लोगों को करना क्या है, सर्वे नु ज्ञायताम, सर्वे नु ज्ञायताम, आप सभी उस शकुंतला को पतिगृह जाने की अनुमति प्रदान करें। यह बात किससे कह रहे हैं, काश्यप ऋषि किससे कह रहे हैं कि तपोवन के उन वृक्षों को संबोधित करते हुए जो उपवन के एकदम सन्निकट हैं, जिसके बीच में शकुंतला का पालन पोषण हुआ है, जिन वृक्षों को शकुंतला के द्वारा सिंचित कार्य किया गया है, जिन वृक्षों के माध्यम वृक्षों में पुष्पों के उद्गम के समय जो है वह उत्सव मनाया है, आज उन्हीं को संबोधित करते हुए कण्व के द्वारा इस तरह का संदेश वृक्षों को संबोधित करने का अवसर दिया गया है। अब आप देखिए यहां से भी एक पहला प्रश्न पूछा जाता है आपसे बार बार के अस्य पंक्ति कस्य कथनम अस्ति, क्योंकि आप प्रतियोगी हैं तो प्रतियोगिता के आधार पर कैसे इसको पढ़ने की जरूरत होती है। कह रहे कि पातुम न प्रथमम व्यवस्यति अस्मिन पंक्ति है कस्य कथनम अस्ति, किस पात्र के द्वारा इस कथन का विधान किया गया है, तो निश्चित रूप से किसका कथन है, क्योंकि काश्यप का कथन है, काश्यप के द्वारा यह बात कही गई है। तो ये दो प्रश्न तो बड़े महत्वपूर्ण, लेकिन सबसे पहले अब एक एक पद की चर्चा हम लोगों को करनी चाहिए, यहां से बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, तो इसको जानना भी बहुत जरूरी है मित्रों, क्योंकि देखिए कितनी महत्वपूर्ण बातें यहां पर बताई गई हैं, क्योंकि यहां पर जो बातें हैं बड़ी सन्निकट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले तो पहली लाइन को हम लोगों को क्लियर किया जाना चाहिए, कह रहे कि युष्मासु अपीतेषु या प्रथमम जलम पातुम न व्यवस्यति। देखिए कह रहे कि इसमासु कौन, इसमासु अपीतेषु प्रथमम जलम न व्यवस्यति। कह रहे कि सबसे बड़ी बात तो यहां पर आपको जानने की जो अस्मिन पदे या पदम प्रयुक्तम, यह पद किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, शकुंतला के लिए प्रयुक्त किया गया है। ये बार बार ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, शकुंतला के बारे में कण्व ऋषि के माध्यम से कैसे प्रथमम कब, क्योंकि देखिए जब दिन का प्रारंभ होता था पहली बार शकुंतला जल कैसे ग्रहण करती है, कहते हैं कि दिन में प्रथम बार शकुंतला जल को ग्रहण करती है कैसे, यहां पर पा धातु है, युष्मासु शब्द का प्रयोग किया गया है, यह वृक्षों को संबोधित करते हुए किया गया है कि वृक्षों को जब तक सेचन कार्य वह नहीं कर लेती है, वृक्षों को जब तक वह जल नहीं पिला लेती है, तब तक स्वतः वह जल को धारण नहीं करती है, वह जल को पीती नहीं है। पहली पंक्ति में कितनी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। आप देखिए कह रहे कि नाद्यते
प्रिय मंडनापी बहुत महत्वपूर्ण पद है, यहाँ पे आपसे सामासिक पद का विधान बनाया गया है। प्रिय मंडनापी, जिसको प्रिय है उत्सव का मंडन सजावट, जिसको प्रिय है, इसका मतलब है कि ये बहुव्रीहि समास का एक उत्तम उदाहरण है, है? कि कह रहे कि कितना महत्वपूर्ण बात है कि फूलों का सजावट है, फूलों प्रिय मंडन करना जो है शकुंतला को अति प्रिय है। और यहाँ पर यही बात है कि अति प्रिय होने के बावजूद स्नेहेन स्नेह के कारण कब यह बात आगे बताई जा रही है, नई कोपले हैं। कह रहे कि नाद्यते हैं, कह रहे कि तुम्हारे प्रति प्रेम होने के कारण जिसको अलंकरण प्रिय होने पर भी, प्रिय होने पर भी पल्लवम जो नवीन पत्ते हैं, यह मीन्स कौन, यह मीन्स शकुंतला, उन पल्लवों को भी नहीं तोड़ती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। तीसरी लाइन देखिए कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। यहां से प्रश्न जो बनता है वह से भी बनता है, इसमें आपसे जो है अभी प्रसंग बनेगा कि वैकल्पिक रूप का विधान किया गया है, कहां पर इस वैकल्पिक रूप का विधान किया जाता है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में ऐसा पद बनता है। करें कि आद्य वह कुसुम प्रसूति समये, आद्य वृक्षों में जब पहली बार पुष्पों का उद्गम होता है, वृक्षों में जब पहली बार पुष्पों का उद्गम होता है, करें कि यस्याह भवत उत्सवः है, यस्याह मीन्स कौन, यस्याह मीन्स शकुंतला, करती क्या है, भवति धन उत्सवः। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। करें कि भवति धन उत्सवः है, वह एक तरह से आप देखें तो यह है यण संधि का एक उत्तम उदाहरण भी है। कह रहे कि भवति उत्सव, वह करती क्या है, वह उत्सव मनाती है। कब मनाती है, जब वृक्षों में पहली बार पुष्प का उद्गम होता है तो वह शकुंतला करती क्या है, वह उत्सव मनाया करती है। कह रहे कि कण्व ऋषि देखिये लास्ट लाइन में यही बात कह रहे हैं कि सेयम याति, आज वही शकुंतला, सेयम याति, याति मीन्स जा रही है, कहां जा रही है, पतिगृहम, आज शकुंतला पतिगृह जा रही है। तो इसलिए सर्वे नो ज्ञायताम, अब आप लोगों के द्वारा शकुंतला को पतिगृह जाने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। तो इस तरह की बड़ी महत्वपूर्ण बातें जो है यहाँ पर देखिए संबोधित करते हुए कण के माध्यम से जो संदेश है वह बड़ा मार्मिक है। रही बात एक चीज ये है कि प्रतियोगी स्तर पर यहाँ पर और कई बातें आपको ध्यान देनी चाहिए। जैसे आपसे सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मैंने आपको बता दिया कि भौत्सव पद यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण है। उसी तरह से प्रिय मंडनापी पद की चर्चा करते समय हमने आपसे बताया कि यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भाई प्रिय मंडनम में कौन समास हो सकता है। तो आपने बड़े अच्छी तरह से बताया कि भाई देखिए प्रिय मंडनापी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह बहुव्रीहि समास का एक उत्तम उदाहरण है। और यहाँ पर प्रियम मंडनम यस्याह सा, आप देखिए प्रियम मंडनम यस्याह सा, प्रियम मंडनम यस्याह सा, यह बहुव्रीहि समास का एक बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है। दूसरी चीज, एक चीज और आप ध्यान से देखें तो यहां पर कह रहे हैं कि भवताम स्नेहेन, यहां पर भी आने वाले समय में यहां से प्रश्न बनना चाहिए कि भवताम स्नेहेन, यहां पर भवताम पद में जो है षष्ठी विभक्ति का विधान किया गया है। कह रहे कि कारण क्या है, कारण स्नेह है। आपने देखा कि जिसको मंडन अलंकरण प्रिय है फिर भी करती क्या है, या पल्लवम,
उन पल्लों से, नवीन पल्लों से प्रेम होने के कारण जो है उस नवीन पत्तों को वह तोड़ती नहीं है, तो निश्चित रूप से संबंध की विवक्षा में यहाँ पर भवताम में षष्ठी विभक्ति का विधान किया गया है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बनता है। दूसरी चीज आपने देखा कि एक प्रश्न और बड़ा महत्वपूर्ण है, कुसुम प्रसूति समय, सामासिक पद है, तत्पुरुष समास का एक उत्तम उदाहरण है। यहां से भी आपका एक प्रश्न बनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अलंकार की बात हो जानी चाहिए। दो बातें हैं कि देखिए, इस सबसे बड़ी चीज है कि वृक्षों के प्रति शकुंतला का व्यवहार कैसा है, संबंध कैसा है। तो मेरी यहां से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि शकुंतला का वृक्षों से भ्रातृतुल्य संबंध है, और वृक्षों से भ्रात व्यवहार होने के कारण यहां पर समासोक्ति अलंकार का विधान कर दिया गया है कि भाई भ्रातिवत व्यवहार शकुंतला का था। दूसरी चीज, पत्ते ना तोड़ने का कारण क्या है? भाई अलंकरण उसको प्रिय है, फिर भी वह पत्तों को नहीं तोड़ती है, तो पत्ता ना तोड़ने का कारण भी बता दिया गया है, स्नेह बता दिया गया है, स्नेह के कारण है। तो यहां पर काव्य लिंग का विधान किया गया है। तो इस तरह से यदि आप देखें, इस महत्वपूर्ण श्लोक की चर्चा आपसे बार बार की जाती रहेगी। परीक्षा प्रयोगी है, सार गर्भित बातें हैं, और कथन कितना महत्वपूर्ण है कि यहां से बार बार परीक्षाओं में प्रश्न बनता ही बनता है। तो इसलिए आज हम लोगों ने जो कुछ भी चर्चाएं परिचर्चाएं इस विषय वस्तु पर किया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के श्लोक चतुष्टयम का एक अंश है। बहुत बहुत धन्यवाद।